नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ग्रीक यूनानी जो विद्वान थे, थिंकर से उनको पढ़ा था, और आपने अच्छे से मैप ड्रॉ किए होंगे और आपने उनको अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, पढ़े होंगे। अब उस पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जो प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, हम आज उनको डील करेंगे। तो अब अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आप इनको अच्छे से देखिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और एक इवोल्यूशन कर पाएंगे आप अपना कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अपने कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो या तो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या फिर और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें से, तो वो क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे हैं या लिए हैं। तो प्रथम क्वेश्चन देखते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम पुस्तक जिसमें विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया गया। तो आप एक मिनट इस क्वेश्चन पे सोचे, यहाँ ऑप्शन इसलिए नहीं डाले क्योंकि ऑप्शन हमने जो आज अपना जो पोर्शन कंप्लीट हुआ है वो सिर्फ यूनानी विद्वान का हुआ है। तो अगर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो सारे मिक्स आएंगे, जैसे रोमन भी आ जाएगा, उसमें अरब भी आ जाएंगे, तो तब वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा हम एक आज जो हमने क्वेश्चन लिया वो सारे वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। तो आप पहले इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और सोचिए, विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने वाली कौन सी बुक थी और वो बुक किसकी थी, आप सोचिए और फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया था, वो किया था हिकेटियस ने, और हिकेटियस को इसीलिए ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, और इनकी बुक थी जस पीरियडस। हिकेटियस की ही दूसरी जो बुक थी वो थी पेरिपेलिस, और जिसमें तटीय सर्वेक्षण था। और हमने ये भी देखा था उस लेक्चर में कि हेरोडोटस था, वो क्या था कि जो यात्री थे जो बाहर से आने वाले उनके संपर्क में रहता था, और वो जो उनसे मिली जो सूचनाएं थी उनका संकलन किया था। तो जस पीरियडस जो था वो विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ था, हिकेटियस का था। तो ये हमने देख लिया, आप इसे कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भूगोलविदता जिसने ज्ञात विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। तो हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि विश्व का प्रथम ज्ञात मानचित्र ये भी हमने उस टाइम देखा था। ज्ञात विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, वो थे एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर यूनानी विद्वान थे, इन्होंने नोमोन यंत्र का आविष्कार किया था, ये हमने देखा था। नोमोन यंत्र है वो बेसिकली सूर्य घड़ी कह सकते हैं हम, सूर्य की छाया के हिसाब से समय का पता लगाना, तो ये इनका काम था एनेक्सिमेंडर का। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है उससे जो भी रिलेटेड जो थिंग्स है वो अपने माइंड में एक पैरेलल चलनी चाहिए, तो एनेक्सिमेंडर का जो भी योगदान है वो भी हमें थोड़ा याद रहना चाहिए। तो हमने देखा कि प्रथम मानचित्र था वो एनेक्सिमेंडर ने बनाया था, इससे भी पहले सुमेरियंस ने बनाया था। सुमेरियंस भी हमने देखे थे, नाविक थे वो, और फारस की खाड़ी के तटवर्ती भाग में वो सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक किस भारतीय विद्वान की है। हमने जो थे भौगोलिक विकास या भौगोलिक चिंतन का इतिहास में पढ़े थे, हमने इंडियन कुछ थिंकर्स में पढ़े थे, उसमें हमने पढ़े थे भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्टा। तो इसमें सिद्धांत शिरोमणि थी वो भास्कराचार्य की थी, और भास्कराचार्य है वो बीजापुर के रहने वाले थे, बीजापुर के। इनकी एक जो ये सिद्धांत शिरोमणि बुक है वो खगोलज्ञ थे ये बेसिकली, और खगोल विज्ञान से संबंधित इनकी पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। अब अगर आपको ये इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उनमें इनकी अच्छे से थ्योरी भी दी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द ज्योग्राफी ऑफ पुराणाज के लेखक कौन थे। तो ये क्वेश्चन हमने नहीं देखा था, अपने नोट्स में नहीं कवर किया गया था, ये मैंने यहाँ ले लिया है। ये क्वेश्चन इसका आंसर है एस मुजाफिर अली। तो इन्होंने ये बुक लिखी, इसमें इन्होंने जो इंडिया की जो भी ज्योग्राफी है उसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करी। तो इन्होंने पुराणाज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ पुराणाज पुस्तक है वो एस एम अली की है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान में भूगोल शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो भूगोल शब्द का उल्लेख मिलता है पुराणों में, और इससे पहले वेदों में भी इनका जिक्र हुआ है। भूगोल का वर्णन है, हमने सात द्वीप पढ़े थे और संबद्ध सागर भी पढ़े थे, नदियों के जो भी प्राचीन नाम है वो भी पढ़े थे। तो भूगोल शब्द का उल्लेख है वो पुराणों में मिलता है, अत्रेय ब्राह्मण में भी मिलता है, और अथर्व वेद जो है उसमें भी भूगोल का वर्णन है, पर जो शब्द है भूगोल वो पुराणों में मिलता है। तो
हमें ये भी प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान ने सर्वप्रथम विश्व भूखंड को तीन भागों में बांटा था? तो वो थे हेरोडोटस। हेरोडोटस के मैप को हमने स्टडी किया, उसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं पीछे वाली वीडियो में। तो उसमें हमने देखा था कि यूरोप को इन्होंने बहुत बड़ा बताया था, और यूरोप महाद्वीप था, अगर हम देखना चाहें तो यूरोप महाद्वीप को इन्होंने लीबिया और जो एशिया है उससे भी बड़ा बताया था, लीबिया और एशिया से भी बड़ा बताया था इन्होंने। तो आप इन मैप को अच्छे से देख सकते हो, आपको मैप में भी डिफरेंस करना आना चाहिए, क्योंकि मैप एज इट इज पूछे जा सकते हैं, मैप का क्वेश्चन मैप ड्रॉ किया हुआ मैप पूछा जा सकता है कि ये मैप किसका है। तो ये बताया था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस के मैप में एक चीज हमने ये भी देखी थी कि इन्होंने जो नील नदी का उद्गम था वो एटलस पर्वत बताया था। एटलस पर्वत है वो है अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में है एटलस पर्वत, और इन्होंने पश्चिम से पूर्व बताया था, पश्चिम से पूर्व बताया था, और भूमध्य सागर में नील नदी है वो डेल्टा बनाती है। तो इन्होंने ये बताया था कि इसका उद्गम है नील नदी का वो पश्चिम से पूर्व होता है, जबकि हमने नील नदी का भी मैप उस टाइम स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था कि नील नदी वो दक्षिण से उत्तर की ओर उसका प्रवाह है और वो विक्टोरिया झील से निकलती है। तो आपने वो मैप अच्छे से स्टडी किया होगा, विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी और उसका प्रवाह है वो दक्षिण से उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रथम विद्वान जिसने मानचित्र पर यामयुत्तर खींचने का प्रयास किया वो थे हेरोडोटस। जो यामयुत्तर इन्होंने जो खींची थी वो सिनोप प्रायद्वीप से डेन्यूब नदी के मुहाने तक इन्होंने खींची थी, ये बात भी हमने उस मैप में पढ़ी थी। तो इन्होंने जो यामयुत्तर बनाई थी इनका प्रयास अच्छा था, पर इन्होंने बहुत गलत तरीके से उसको ड्रॉ किया था, इस वजह से इनका मैप भी कुछ ऐसे विकृत सा नजर आता है। तो इसलिए हमें यही याद रखना है कि प्रथम प्रयास इनका था और सही से जो बनाया था वो थे एनेक्सिमेंडर थे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक परंपरा लिटरेरी ट्रेडिशन से कौन विद्वान है? तो लिटरेरी ट्रेडिशन से थेल्स है। थेल्स को हमने पढ़ा था, थेल्स ऑफ मिलेटस, ये भी हमने उसमें देखा था। ये जो थे पद्य कवि थे बेसिकली ये, और इन्होंने त्रिकोणमिति और गणितीय परंपरा का विकास किया था भूगोल में, और बेस लाइन का कंसेप्ट भी दिया था इन्होंने, बेस लाइन का, और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली शुरुआत इन्होंने की थी, और इनको खगोल विज्ञानी के रूप में इनको स्मरण किया जाता है, खगोल विज्ञानी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, सर्वप्रथम स्थानों की स्थिति का निर्धारण ध्रुवों व भूमध्य रेखा के संदर्भ में बनाई गई काल्पनिक रेखाओं पर आधारित विचार किसने दिया था? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, पर लैंग्वेज को थोड़ा साइड में रखते हैं और अपने थोड़ा सा इस पे फोकस करके देखें तो हम इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। सर्वप्रथम पूछा है और फिर कहा है कि स्थिति का निर्धारण, किसी भी स्थान की स्थिति निर्धारण करने के लिए ध्रुव और भूमध्य रेखा के संदर्भ में काल्पनिक रेखाएं खींचने का प्रयास किसने किया था? तो इसमें हम सुमेरियन, फोनेशियन और वो उनका योगदान इसलिए नहीं कह सकते कि ध्रुव और भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के हिसाब से अगर विश्व को क्लाइमेट जोन में बांटना हो या फिर उस पर प्रधान यामयुत्तर रेखा खींचनी हो तो ये वाले सारे काम है ये यूनानियों के टाइम से शुरू होते हैं, क्योंकि हेरोडोटस ने गलत खींची थी पर हेरोडोटस ने शुरुआत करी, और इनसे जो भी पहले विद्वान थे उन्होंने पृथ्वी को मापने का प्रयास किया और ये पता लगाने का कोशिश की कि ज्ञात विश्व का विस्तार किस तरफ है, जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है या उत्तर दक्षिण में देखें तो उत्तर की तरफ जाता है। तो ये सारे जो प्रयास थे ये यूनानियों के थे, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि इसका आंसर यूनानी होगा। ने इसमें ऑप्शन हो सकते थे अरब हो सकता था, फोनेशियन हो सकता था, सुमेरियन भी हो सकता था, पर इन्होंने सबसे पहले यूनानियों का काम है वो कंसिडर करने योग्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञात प्राचीनतम मानचित्र अर्लीस्ट मैप जिनके द्वारा बनाया गया वो कौन थे? तो ये हमने देखा था कि जो थे एनेक्सिमेंडर थे इन्होंने भी सुमेरियंस थे जो इनसे ही प्रेरित होकर ये मैप बनाया था। बाकी ये था कि सुमेरियन थे वो संकुचित मानसिकता वाले थे, नाविक थे, इन्होंने अपने जो ज्ञान था उसका ज्यादा प्रचार प्रसार किया नहीं था, तो इनका जो ज्ञान था वो दब गया था, नहीं आ पाया था लोगों के सामने। तो एनेक्सिमेंडर ने विश्व का, ज्ञात विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था एनेक्सिमेंडर ने, पर इनसे भी पहले कौन थे? प्राचीनतम मानचित्र बनाने वाले, द अर्लीस्ट मैप बनाने वाले कौन थे? सुमेरियन थे।
तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सुमेरियंस ने सबसे पहले जो ज्ञात विश्व था उसका मानचित्र बनाया था। सुमेरियंस बेसिकली क्या थे? सुमेरियन बेसिकली नाविक थे और इन्होंने अपने जो आसपास के बेसिकली ये नगरीय सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता, और इन्होंने अपने आसपास के स्थानों का मैप बनाया था और जहाँ इनका व्यापार था उसको निर्धारित करा था उन्होंने। इन्होंने मैप के थ्रू इन्होंने वो लोकेशन थी वो दिखाई थी। तो आप समझ पाए होंगे कि सुमेरियन ज्ञात विश्व के प्रथम मानचित्रकार कहलाते हैं सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी गद्य का प्रथम लेखक कौन था, या यूनानी गद्य में भाषा में लिखने वाला, गद्य में लिखने वाला कौन था? तो वो थे हिकेटियस। हिकेटियस को हमने यहाँ पे देखा था, हिकेटियस की बुक्स के नाम देख लिए थे हमने दोनों। और हिकेटियस बेसिकली गद्य और पद्य में हमने उस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, पद्य काव्य कविता के रूप में और गद्य जो काव्य के रूप में नहीं हो वो गद्य में आता है। तो यूनानी गद्य के जो प्रथम लेखक थे हिकेटियस, इनसे पहले जो भी थे एनेक्सिमेंडर, होमर को भी पढ़ा था हमने, होमर के जो दो महाकाव्य थे इलियड ओडिसी जिनमें ट्रोजन वार का जो वर्णन था वो भी हमने देखा था। तो वो बेसिकली क्या थे, होमर जो अपने आसपास के जो भी किंवदंतियां थी, कथाएं थी, धारणाएं थी, उनको क्या है कि गाने की भाषा में उन्होंने लिखने का एक संकलन किया था उन्होंने, तो वो कहलाते हैं पद्य के कवि। तो गद्य के प्रथम कवि या प्रथम लेखक कौन थे? हिकेटियस थे। हिकेटियस की जो दोनों बुक है जेस पीरियड्स और पेरिपलस तटीय सर्वेक्षण, वो दोनों की दोनों ही गद्य में लिखी हुई है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, प्रथम ईश्वर या ईश्वरवादी या प्रयोजनवादी कौन था? ये हमने देखा था उस टाइम प्रथम ईश्वरवादी या प्रयोजनवादी था वो था अरस्तु। अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, और अरस्तु किन के गुरु थे? सिकंदर के। तो अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, प्लूटो थे वो निगमनात्मक दृष्टिकोण था उनका, सामान्य से विशेष की ओर, तर्क की रचना सामान्य से विशेष की ओर, और बेसिकली उन्होंने कोई नियम दे दिया फिर उस नियम को आप समझो, जो कि इन्होंने जनरलाइज करके चीजों को समझाना बताया था अरस्तु ने। अरस्तु का दृष्टिकोण था वो आगमनात्मक था। अब हम देखते हैं कि टेलियोलॉजिस्ट या प्रयोजनवादी ईश्वरवादी क्या है, ये कंसेप्ट है, इसका मीनिंग समझते हैं। प्रयोजनवादी का अर्थ क्या होता है, टेलियोलॉजिस्ट का अर्थ क्या होता है? टेलियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है कि संसार में जितनी भी वस्तु है, जो भी अपना निर्मित जो भी विश्व है वो ईश्वर की योजना के अनुसार है, सब कुछ जो है वो ईश्वर की योजना के अनुसार है, इसमें हम नियंत्रण करता नहीं है या हम हस्तक्षेप करता नहीं है। तो ऐसा मानना था अरस्तु का। अरस्तु की ये परंपरा को आगे फॉलो करेंगे रिटर। इन्होंने जो भी काम किया उसमें ईश्वर को साक्षी पाया, तो ऐसा इनका मानना था कि जो भी विश्व है वो ईश्वरीय योजना के अनुसार बना है। तो रिटर के साथ साथ अपने हम्बोल्ट को भी देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिटर और हम्बोल्ट दोनों का नाम साथ साथ आता है। तो हम्बोल्ट का ऐसा मानना नहीं था, हम्बोल्ट एक, ये तो आराम चेयर वाले जो थे लेखक थे या भूगोलविद थे, जबकि हम्बोल्ट परीक्षण करता थे। तो इनमें बेसिकली ये डिफरेंस था कि रिटर को अगर कोई चीज का जवाब नहीं मिला तो इन्होंने कह दिया कि ये ईश्वरीय योजना ऐसी ही थी, तो ये जो है इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि ये ईश्वरीय योजना के अनुसार बना हुआ है, जबकि हम्बोल्ट परीक्षण करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कि पृथ्वी वर्णन के लिए सर्वप्रथम किस विद्वान ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर है इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया इसलिए इनको कहा जाता है। और जो हिकेटियस थे उन्होंने पहला क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो आप इन दोनों को, इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेना आप कि इनको क्यों कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी क्यों कहा जाता है, आप इसका आंसर, इसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं, भूमध्य रेखा की सर्वप्रथम शुद्ध लंबाई ज्ञात करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये भी इरेटोस्थनीज थे। भूमध्य रेखा की सर्वप्रथम शुद्ध लंबाई ज्ञात करी थी इन्होंने, और इन्होंने पृथ्वी की परिधि की भी गणना की थी, पृथ्वी की परिधि की गणना की थी इन्होंने 25,000 मील जो कि नियरेस्ट थी। और इनके बाद हमने एक उसी वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोसिडोनियस ने भी कैलकुलेट की थी, तो पोसिडोनियस ने की थी 18,000 कैलकुलेट करी थी जो कि गलत थी पर उसको मान लिया गया था, ये भी हमने देखा था पोसिडोनियस ने करी थी 18,000 मील।
तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 25,000 मील किसने करी थी, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजिप्ट नाइल का दिया हुआ उपहार है, मिस्र है वो नील नदी की देन है, ये है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हेरोडोटस का है। हेरोडोटस ने ही सर्वप्रथम नील नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ का वर्णन किया था। इन्होंने बताया था कि इथोपिया उच्च भूमि से जो गाद या जो मड और सिल्ट जमा यहाँ से लेके आती है, इथोपियन उच्च भूमि है उसे लेके आती है, मड और सिल्ट लेके आती है, कांप और गाद, तो ये यहाँ जाके भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है, जो नील नदी है वो भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है। पर ये तो था कि ये यहाँ से इथोपियन उच्च भूमि से लेकर आती है, तो पर हेरोडोटस का ऐसा मानना था कि उसका जो उद्गम है वो एटलस पर्वत से है, जबकि हमने अच्छे से देखा था उस मैप में कि जो नील नदी है उसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, और जो श्वेत नील है उसका उद्गम होता है इथोपियन उच्च भूमि से, इथोपियन उच्च भूमि से श्वेत नील का, और ब्लू नील है वो निकलती है विक्टोरिया झील से, नीली नील वो निकलती है विक्टोरिया झील से, और ये खार्तूम में जाकर मिल जाती है, खार्तूम मिस्र में स्थान है, खार्तूम में जाकर मिलती है, खार्तूम सूडान की कैपिटल है सूडान, और वहां जब जहां जिस स्थान पर ये मिलती है वहां सूड नामक दलदल का स्थान का निर्माण करती है, सूड का निर्माण करती है, सूड क्या है? दलदल, आप समझ पा रहे होंगे शायद, सूड है दलदल, दलदल दलदली भूमि का निर्माण करती है जिसे सूड कहते हैं। तो ये सूड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कहाँ मिलती है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन थे, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 16th क्वेश्चन है, भूगोल में अंधकार युग की अवधि है, भूगोल में अंधकार युग की अवधि बतानी है आपको। तो ये है 1250 से 1700 ईसा पूर्व का जो समय था वो भूगोल में अंधकार युग कहलाता है। अंधकार युग में क्या हुआ था कि भौगोलिक जो विकास था वो सारा ज्ञान के अधीन हो गया था, और इस जो समय था अंधकार युग में वो जो मेडिटेरियन सी के जो तट पर जो हम देख पा रहे हैं जेरूसलम है आज का जेरूसलम, उसको पृथ्वी के केंद्र में दिखाया गया था, और धर्म के अधीन हो गया था सारा, जो भौगोलिक ज्ञान चेतना थी वो नष्ट हो गई थी, और इन्होंने टी इन ओ मैप बनाए थे। टी इन ओ मैप का अर्थ होता है ऑर्बिस टेरारम, टी इन ओ मैप बनाए थे, और इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी द ओल्ड टेस्टामेंट। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, द ओल्ड टेस्टामेंट इनकी बुक थी, और इसमें जो जो मैप बनाए थे टी इन ओ मैप बनाए थे उसमें पृथ्वी को क्या है कि जेरूसलम को केंद्र में दिखाया गया था और स्वर्ग दिखाया था, उत्तर में स्वर्ग दिखाया गया था। तो जो भी भौगोलिक ज्ञान था वो नष्ट हो गया था, धर्म के अधीन हो गया था सारा ज्ञान। तो ये अंधकार युग, इसके बाद पुनर्जागरण का काल आएगा, फिर खोजों का काल आएगा, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, इसको 200 से एडी में अगर दिखाएं तो 200 से 1300 एडी भी बता सकते हैं इसको। तो भूगोल में अंधकार युग को देख पा रहे हैं आप, भूगोल में अंधकार युग जो था अवधि बताइए हमने, इसको दोनों तरह से बता सकते हैं, 200 से 1380 और 1250 से 1700 ईसा पूर्व, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो अंधकार युग, इसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं, हेरोडोटस ने पृथ्वी की आकृति कैसे बताई, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है लेक्चर्स में। तो हेरोडोटस ने जो पृथ्वी की आकृति बताई थी, अन्य जो विद्वान थे उन्होंने जो पृथ्वी की आकृति बताई थी वो गोलाकार बताई थी, इन्होंने बताई थी रकाबीनुमा या समतल थाली जैसी, समतल थाली जैसी। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है, और हमने इसके साथ ही पढ़ा था कि पाइथागोरस ने पृथ्वी की आकृति कैसे बताई थी, तो पाइथागोरस ने पृथ्वी की आकृति थी वो गोलाकार बताई थी। तो अन्य जो विद्वान है उन्होंने भी अलग अलग हिसाब से पृथ्वी की आकृति बताई थी, उसको हमने एक टेबल के थ्रू स्टडी किया था। तो अगर आपने वो टेबल अच्छे से देखी है तो आप उसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से विद्वान ने कैसे आकृति बताई थी। उसमें हमने ये भी देखा था कि अत्रेय ब्राह्मण ने कैसे बताई थी, तो अत्रेय ब्राह्मण में आकृति थी वो मंडलाकार बताई थी या पिंडाकार बताई थी। तो आप ये भी आपको याद होगा अगर आपने टेबल को अच्छे से टैली किया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, ये भी अपने मैप्स के थ्रू बहुत अच्छे से किए थे। ये सारे जो द्वीप थे इनकी लोकेशन देखी थी हमने, पुराणों में जो 7 द्वीप हैं उनकी लोकेशन देखी थी, उनके मैप देखे थे, उनसे संबद्ध सागर देखे थे और नदियों के नाम भी देखे थे। तो अब हम देखते हैं इनमें से कुछ द्वीप है उसकी लोकेशन क्या थी। आप थोड़ा मैप अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर में जाके अपने देख सकते हैं। कुछ द्वीप था वो था अरब प्रायद्वीप वाला भाग, कुछ द्वीप था वो था अरब प्रायद्वीप वाला भाग, अरब प्रायद्वीप। तो इसमें लिखा है अरब प्रायद्वीप, इराक, ईरान वाला जो भाग है, ओमान, यमन, थोड़ा आपने याद रखा होगा यमन, ओमान और फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी है यहाँ। तो कुछ द्वीप की लोकेशन बताई है दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया सही है, अरब प्रायद्वीप है वो, अगर अपने एटलस में देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम भाग में ही है। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्रोंच द्वीप, क्रोंच द्वीप की लोकेशन है वो लिखा है यूरोप। क्रोंच द्वीप हमने देखा था जो उत्तरी सागर के आसपास वाला भाग है, जो हमने देखा था कि जो ब्रिटिश द्वीप समूह है वो भी क्रोंच द्वीप में आते हैं। इसके साथ साथ स्कैंडिनेवियाई जो प्रदेश है वो भी इसी में आते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन वाला जो भाग है वो सारा क्रोंच द्वीप में आता है। तो यहाँ लिखा है यूरोप, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आपने देखते हैं शक द्वीप, शक द्वीप इसमें बताया है दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया शक द्वीप में हमने देखे थे जो ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास वाले जो द्वीप हैं तो वो बताए थे, तो ये भी इसमें सही है। मल्ल प्रायद्वीप और जो हमने देखे थे वो सारे दक्षिण पश्चिम एशिया में देखे थे, वो शक द्वीप में शामिल थे। नेक्स्ट इसमें लिखा है शालमली द्वीप उत्तर पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया में तो हमने देखा था उत्तर पूर्वी एशिया और वो जो बात हो जम्बू और पुष्कर द्वीप थे उनमें ये वाला भाग शामिल था। तो शालमली द्वीप था उसकी लोकेशन क्या थी, शालमली द्वीप जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का, और ये मेडागास्कर बना दिया, अफ्रीका महाद्वीप का जो मेडिटेरियन सी के आसपास वाला जो क्लाइमेट है, सी एस कौनस द्वीप हमने देखा था यूरोप, यूरोप जो भूमध्य सागर के ऊपर उत्तरी सागर के आसपास वाला एरिया वो क्रोंच में देखा था, और शालमली जो था वो एएम क्लाइमेट वाला एरिया था, एएम क्लाइमेट जो हमने सोमालिया और ये देखा था ना, सोमालिया, केन्या, इथोपिया, तंजानिया, ये वाला भाग था, ये एएम क्लाइमेट का था, तो ये शालमली द्वीप में ये वाला भाग था, तो ये गलत हो गया। ये हमने देखा था मानसूनी, जो अफ्रीका के जो मानसूनी प्रदेश है, एएम क्लाइमेट वाले मानसूनी प्रदेश, अफ्रीका का मानसूनी प्रदेश, ये आएगा शालमली द्वीप में। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप फिर से मैप्स को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने चलते हैं, किसे स्टीरियोग्राफिक या ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप को विकसित करने का श्रेय जाता है। तो हमने पढ़ा था कि हिपार्कस ने 2D जो ग्लोब था उसको 3D में बदलने का काम किया था, और इन्होंने प्रोजेक्शन का आविष्कार किया था, प्रोजेक्शन का त्रिविमीय प्रक्षेप बनाने का, और इन्होंने स्टीरियोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप विकसित किए थे हिपार्कस ने। इक्विनोक्स की भी इन्होंने संकल्पना दी थी, और हिपार्कस ने इस क्षेत्र में इम्पोर्टेंट काम किया था। और बेसिकली 2D का मतलब होता है क्षेत्रफल को आयतन में बदलना, क्षेत्रफल को आयतन में बदलना। नेक्स्ट अपने देखते हैं हिपार्कस था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिपार्कस, हिपार्कस ने प्रक्षेप विकास में अग्रणी योगदान दिया था, हिपार्कस। नेक्स्ट अपने देखते हैं कैस्पियन सी को आंतरिक सागर किसने कहा था, कैस्पियन सी को आंतरिक सागर कहा था हेरोडोटस ने, हेरोडोटस के जो मैप था उसमें हम कैस्पियन सी को अच्छे से लोकेट कर पाएंगे। हेरोडोटस से पहले जितने भी विद्वान आए थे उन्होंने कैस्पियन सागर को जो विश्व महासागर है या विश्व का उत्तरी महासागर है उसकी एक भुजा माना था, जबकि हेरोडोटस ने ही सबसे पहले ये बताया था कि ये कोई बड़ा महासागर का भाग न होकर एक आंतरिक महासागर है या आंतरिक झील है। तो झील भी लिखा सकता है, आंतरिक महासागर भी आ सकता है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हेरोडोटस ने सबसे पहले बताया था। हेरोडोटस ने अपने मैप में बहुत सारी गलतियां की थी ये हमें पता है, नील नदी का उद्गम गलत बताया था, एटलस पर्वत से बताया था, और सिंधु नदी का उद्गम भी गलत बताया था, पश्चिम से पूर्व बहती हुई बताया था, और भी बहुत सारे फेबुल मोंगलर भी कहा था इसको कई विद्वानों ने। तो हेरोडोटस ने मैप में बहुत सारी गलतियां की थी, पर ये वाली जो इनकी थी इसको कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताने वाला, ये इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने यांत्रिक खींचने का भी प्रयास किया था,
इनका मानचित्र बहुत विकृत था, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। नेक्स्ट अपने देखते हैं एस्ट्रोलैब यंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो एस्ट्रोलैब जो यंत्र है उसको हिपार्कस ने विकसित किया था। एस्ट्रोलैब जो यंत्र है वो जो यात्रीगण थे पहले प्राचीन समय में उनको दिशाओं का जो था ज्ञान कराने के काम आता था, ये दिशा ज्ञान के लिए, और वो अक्षांश देशांतर के आधार पर अपनी जगह बता सकते थे, पोजीशन बता सकते थे। तो ये जो एस्ट्रोलैब यंत्र है वो प्राचीन समय का और बहुत एक एस्ट्रोनॉटिकल अपने बोल सकते हैं, कंप्यूटर बोल सकते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटर। तो ये वर्तमान में भी इसका जो हिपार्कस ने जो ये यंत्र बनाया, इसके बाद भी इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, इसमें और डेवलपमेंट हो चुका है, वर्तमान में भी इसको काम में लेते हैं। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मेराइन जो एस्ट्रोलैब जो यंत्र है वो भी मिले हैं। तो एस्ट्रोनॉमिक यंत्र की आपने पिक भी देखी थी उस टाइम, तो एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटर को कंप्यूटर कहा जाता था इसको, जो हिपार्कस ने जो ये यंत्र बनाया था, इस एस्ट्रोलैब यंत्र बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश एवं देशांतर का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो एनेक्सिमेंडर और थेल्स थे, दोनों मिलेटस के निवासी थे, थेल्स था वो एनेक्सिमेंडर का गुरु था, इन दोनों ने गणितीय भूगोल की जो नींव डाली थी, इन दोनों ने अक्षांश देशांतर का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो एनेक्सिमेंडर का नाम इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेटोस्थनीज को गणित, अब इनमें अपने को देखना था, चेक करना था अपने को कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो नेक्स्ट फर्स्ट ये सही हो गया कि कैस्पियन सागर को हेरोडोटस ने कहा था अंतरिक्ष सागर सबसे पहले, और एस्ट्रोलैब यंत्र का आविष्कार हिपार्कस ने किया था, अक्षांश एवं देशांतर का पहली बार प्रयोग एनेक्सिमेंडर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेटोस्थनीज को गणित या भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, तो आप एक बार चेक कीजिए इस क्वेश्चन को कि ये सही है क्या इरेटोस्थनीज को। नेक्स्ट है पोसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि ज्ञात की, तो ये इसको भी सही कीजिए, ये दो हमने देख लिए डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब अपने इस थर्ड वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि अक्षांश देशांतर का प्रयोग पहली बार इसने किया, इसको हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं इरेटोस्थनीज को गणित या भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को गणित या भूगोल का संस्थापक नहीं कहा जाता, इरेटोस्थनीज को जियोडेजी या भूगणित का, जियोडेजी, ये दोनों शब्द अलग अलग है, भूगणित अलग शब्द है और भूगणित या भूगोल अलग है, भूगणित का संस्थापक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को, और गणित या भूगोल का संस्थापक कहा जाता है एनेक्सिमेंडर को। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन डाले हैं, पर थोड़ा सा मैंने यहाँ बोल दिया था तो आपको हिंट मिल गई होगी कि एनेक्सिमेंडर को गणित या भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। तो ये देखिए अब भूगणित का पिता कहा जाता है इरेटोस्थनीज को, और गणित या भूगोल का पिता कहा जाता है एनेक्सिमेंडर को। नेक्स्ट है पोसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि ज्ञात की थी, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इसने दो चीजें बताई थी, एक तो इसने ये बेसिकली क्या था, ये भौतिक भूगोल का पिता कहलाता है, पोसिडोनियस क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल का पिता, और इसकी बुक थी द ओशियन, इसकी बुक थी, भौतिक भूगोल का पिता कहलाता है, बेसिकली हिस्टोरियन था और ज्योग्राफर था। और इसने क्या किया था, इसने बेसिकली दो चीजें बताई थी, एक तो इसने गलत बताई थी कि पृथ्वी की परिधि बताई थी इसने 18,000 मील, तो ये इसने गलत बताया था, इरेटोस्थनीज के बाद इसने भी कैलकुलेट करी थी, तो ये गलत बताया था इसलिए। और एक दूसरा स्टेटमेंट इसने दिया था कि जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो बसाव योग्य है, जबकि अन्य जो इनसे पहले के जो अरस्तु और अन्य विद्वान थे वो कहते थे कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है बसाव योग्य नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि सर्वाधिक जो तापमान है वो अयनवर्ती क्षेत्रों में मिलता है, अयनवर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक तापक्रम मिलते हैं, तो इनकी ये वाली बात नहीं मानी गई थी, सर्वाधिक तापक्रम, जबकि वर्तमान समय में हम जानते हैं कि सर्वाधिक तापक्रम अयनवर्ती क्षेत्रों में ही मिलते हैं, तो ये वाली जो बात गलत थी इनकी और ये जो सही थी। नेक्स्ट अपने नदियों पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने उस टाइम भी देखा था, ये थोड़ा सा एक नया है, ये नोट्स में नहीं कराया हुआ था, तो आप इसको नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। अब हम देखते हैं नदी वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। गोमती नदी है जो वर्तमान में गंगा की सहायक नदी है, उसका प्राचीन नाम था गोमय, और कुरुम जो नदी है उसका नाम था कुरमा, काबुल
कुभा और झेलम अस्किनी, इन चारों में से तीन का आपको पता नहीं था तो आप इन तीनों को नोट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिस्टेक यहाँ, झेलम जो नदी थी उसका प्राचीन नाम था वितस्ता, झेलम या वितस्ता, सिकंदर यहाँ से पार नहीं हो पाया था, युद्ध करने था तो झेलम या वितस्ता, और अस्किनी नदी, अस्किनी जो नाम था वो था चिनाब का, चिनाब का। तो आपको ये नदियों के नाम भी थोड़े ध्यान होने चाहिए, और इनका थोड़ा सा देख लेते हैं। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। कुरुम जो है वो जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में दो डिजर्ट है, किजिलकुम और कराकुम। किजिलकुम कराकुम ये दोनों ही उज्बेकिस्तान और जो कैस्पियन सागर वाला जो एरिया है ताजिकिस्तान के किसान, वहाँ ये जो डेजर्ट है किजिलकुम और कराकुम, इन दोनों को हम मध्य एशिया में जो पढ़ेंगे या खनिज की जो कमोडिटी पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे। तो कुरुम नदी थी वो मध्य एशिया की नदी थी और उसका जो प्राचीन नाम था वो था कुरमा। तो आप इसको नोट्स में ऐड कर सकते हो और एक आपको थोड़ा सा इवोल्यूशन हो जाए आपका, इसलिए आपके लिए क्वेश्चंस सेलेक्ट करके रखें। आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और दूसरा ये कि नोट्स में जो थे पॉइंट उनको भी इंक्लूड किया और कुछ अलग से कुछ क्वेश्चंस बनाने का प्रयास किया है, तो आपने अच्छा स्कोर किया होगा, अच्छा इवोल्यूशन रहा होगा आपका। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य। इन क्वेश्चंस के अलावा आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर उसका नेक्स्ट मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगी, वो मैप का क्वेश्चन है। तो आप अपने बेसिस पे पहले उसको करने की कोशिश कीजिएगा और उससे एक ये भी पता चलेगा कि आपने मैप की कितनी अच्छे से स्टडी करी है। तो सरप्राइज क्वेश्चन आएगा आपके लिए थोड़ी देर में स्क्रीन के ऊपर, तो आप सरप्राइज क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे खुद बिना देखे मैप को सॉल्व करेंगे पहले, और जब नहीं आएगा तो आपको जो पुराने जो मैप के जो डायग्राम आपको मिले थे प्रीवियस लेक्चर्स में उनको आप देख के फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे रोमन को पढ़ेंगे, ग्रीक को पढ़ लिया हमने, जो भारतीय भौगोलिक ज्ञान था उसको पढ़ लिया। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे।